बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज अपने किचन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए चॉकलेट ब्राउनी। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बॉल के अंदर डाल देंगे 3 अंडे। इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप चीनी और इसे बीट कर लेंगे। अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह से कर लिया है बीट। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/3 कप ऑयल और इसे भी थोड़ा सा बीट कर लेंगे। हमारे बीटर का काम हो गया ख़त्म। बीटर को हम कर देंगे साइड पर। अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मैदा, 1/3 कप डाल देंगे इसमें कोको पाउडर, 1/3 टीस्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1 पिंच इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट, 1/8 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे शहद। शहद हम इसलिए डालेंगे कि जो हमने इनके अंदर अंडे डाले हैं ब्राउनी के अंदर, उसके अंदर से अंडे की स्मेल ना आए। शहद अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। 1/3 कप इसमें हम डाल देंगे डार्क मेल्टेड चॉकलेट। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लिया एक सांचा, उसके अंदर हमने बटर पेपर लगा दिया। अब ये सारा बैटर डाल देंगे हम सांचे के अंदर। बिस्मिल्लाह। अब एक स्टिक से हम इसकी एयर निकाल देंगे और इसे हल्का सा कर लेंगे टैप। ब्राउनी बनाएंगे हम विदाउट ओवन, इसलिए हमने अपनी कढ़ाई को कर दिया प्री हीट। उसके अंदर हमने रख दिया स्टैंड। अब 40 से 45 मिनट तक हम इसे इस कवर करके कुक करेंगे। ब्राउनी हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर डाल कर देखेंगे स्टिक। स्टिक आ रही है हमारी बिल्कुल साफ। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम इसके ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट को तैयार कर लेते हैं। चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने एक सॉस पैन, उसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप दूध और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 कप मेरे लिए डार्क कुकिंग चॉकलेट, इसको हम डाल देंगे अब दूध के अंदर। चॉकलेट हमारी हो गई है तैयार। फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। अब ब्राउनी को हम निकाल लेंगे। और इसे हम साइडों से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। चॉकलेट हमारी हो गई है ठंडी, उसे हम डाल देंगे ब्राउनी के ऊपर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अच्छी लगें तो उसे लाइक और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह। चॉकलेट ब्राउनी के ऊपर लगाने के बाद हम सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हमने जो इसके ऊपर चॉकलेट लगाई है वो सेट हो जाए। अब हमारी चॉकलेट ब्राउनी बिल्कुल तैयार है, इसे हम काट लेंगे। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।